अब जो है सवाल ये है कि अभी बताइए ना, देखिए इतने साल हो गए हैं, अभी हमने कुछ समय पहले ही पिछले महीने में ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, जी बिल्कुल जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्वितीय प्रण के तहत आजादी के हर अंश से मुक्ति कहा है, सॉरी गुलामी के हर अंश से मुक्ति। अब हम गुलामी के अंश क्या केवल रेलवे स्टेशन के नामों पर, स्ट्रीट के नामों में खोजेंगे? हाँ, हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि वो भी हमारी गुलामी के ही प्रतीक हैं, बिल्कुल चाहे सर वो स्ट्रीट के नाम हो, चाहे वो शहर के नाम हो, या रेलवे स्टेशन के नाम हो। यदि क्रूर बादशाहों के नाम पर हैं तो उन्हें हमें निश्चित रूप से बदलना चाहिए। बिल्कुल लेकिन आप ये बताइए, जो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं, जो गुलामों की का बादशाही व्यवस्था, भ्रष्ट व्यवस्था थोपी गई है, और जो राजसत्ता व्यवस्था थोपी गई है, जो आपके बोर्ड से तो चुनी जा रही है, आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, और वो इस बादशाही व्यवस्थाओं को ही और अधिक अधिकार देके आपको एक बड़ा गुलाम नहीं बना रही है। बिल्कुल यही बनी रहे हैं हम लोग। और आप ये देखिए, आप अंग्रेजों के समय से भी बड़े गुलाम हो गए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं। अंग्रेजों, जिनकी जो सल्तनत में इतना फैलाव था कि कभी सूर्य नहीं डूबता था, राइट, बिल्कुल उस ऐसी सल्तनत को हमारे अदने से फ्रीडम फाइटर्स ने चुनौती दी, और वो सब करके दिखाया, और उन्होंने जो है कानून का ढकोसला करते हुए, कोर्ट में ट्रायल करते हुए, उन्हीं इन्हीं नियमों का दुरुपयोग करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। झूल गए। आज जब आपके बोर्ड से चुनी हुई सरकार है, हम में से अधिकांश लोगों की सत्य बोलने की जो है इच्छा शक्ति और निश्चय खत्म हो गया है। आप ये बताइए, अधिकांश लोग अपना मुंह बंद करने रखने में ही भला समझते हैं, और हाँ वो मुंह खोलने में डरते हैं। बिल्कुल सही। उनको कई बार तो ये लगता है कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है, तो वो फुसफुसा के सही बात जो है, जिसमें किसी राजनेता के कपड़े उतर रहे हों, तो वो उस बात को फुसफुसा के कहता है कहीं कोई सुन ना ले। तो आप ये बताइए, यदि हमने ये दो सिनारियो आपके सामने रखे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप बड़े गुलाम हो गए हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस समय पहले से ज्यादा गुलाम हैं। तो क्या हमने जो है, हम इसलिए स्वतंत्र हुए थे कि बड़े गुलाम बन के? अब वही बात अपने पास सामने फिर आ रही है कि हम उस देश में अभी रह रहे हैं जिस देश के राष्ट्रीय ध्वज को बेचा गया 20-20 रुपए में। बिल्कुल सही बात है। नहीं, हर चीज और धंधा है ना, आप नहीं, वो सब तो देश को ही छोड़िए, बेचा जाता है, आज ध्वज तो अब छोड़िए। उसको छोड़ दिए, जो घर में बच्चा पैदा हुआ है अब उसका भी ट्रेन में टिकट लगेगा, बिल्कुल और सही हमारे बात बड़े बुजुर्गों का जो कोटा होता था वो भी खत्म कर दिया। अब बताइए हमारे यहाँ कहाँ स्वतंत्रता बची है। है। नहीं, सवाल वो है ही नहीं। हम ये